की परवरिश का ख्याल करता है, लेकिन अगर वो धर्म लुटपुट हो जाए, फल भी ना दे, साया भी ना दे, तो फिर लकड़हारों के हवाले कर देते हैं। तो कायनात और इसके अंदर की चीजें हैं, ये अल्लाह ने बेमकसद नहीं बनाई। उसकी कीमत उसके मकसद के पूरा करने के साथ। दुनिया में ये बात देखते हैं कि मकसद का तायुन कैसे हो, कि ये फला चीज फला मकसद के लिए। एक मशीन है, बहुत सारी मशीन लोहे की है, लेकिन ये लोहे की मशीन किस काम के लिए है? जमीन खोदने के लिए है, सड़क को हमवार करने के लिए है, कूड़ा किकट उठाने के लिए है, माल खींचने के लिए है, सब लोहे की है। लेकिन कौन सी लोहे की मशीन किस लिए बनी है, ये उसी से पूछते हैं जिसने उसको बनाया है। उसके अलावा उसे किसी नहीं पूछते। किसी मशीन का इस्तेमाल किसी अस्पताल में जाकर डॉक्टर से नहीं पूछते कि मशीन बीमार हो गई, डॉक्टर साहब कौन सी दवाई देनी है। उस इंजीनियर के पास जाएंगे, उस वर्कशॉप वाले के पास जाएंगे जिसने इसको बनाया। और आदमी अगर बीमार हो जाए तो किसी वर्कशॉप में नहीं लेके जाएंगे जब गाड़ी ठीक होती हो। तो बनाने वाले से पूछा जाता है कि ये चीज, दो बातें पूछते हैं उससे हर बनाने वाले से, ये चीज किस लिए बनाई है, इससे क्या हासिल होगा फायदा, और दूसरा ये पूछते हैं कि इससे फायदा हासिल करने का तरीका क्या है। ये बनाने वाले से पूछते, किसी और से नहीं पूछते। अगर कोई गाड़ी खराब हो जाए तो वो अस्पताल में ले जाए और डॉक्टर से कोई मशवरा देने लग जाए तो ये पूछने वाला भी गलत जगह चला गया, पागल है। जो डॉक्टर मशवरे दे रहा गाड़ी ठीक करने के, उसका दिमाग बिल्कुल फतूर है, उसका शोभा नहीं, उसकी लाइन नहीं है। और आदमी बार हो जाए किसी वर्कशॉप में, इंजीनियर से जाके पूछे, वो उसे मशवरा देने लग जाए तो जो मशवरा लेने के है वो भी पागल है, और जो मशवरा दे रहा है उसके दिमाग में बिल्कुल फितूर है। एक ज़ाब्ता है। इसी तरीके से ये भी उस ज़ाब्ते का बहुत बड़ा हिस्सा है। इस कायनात को किसने बनाया है, और इस कायनात में इंसान को किसने बनाया है, ये किसी वर्कशॉप में बनी है, किसी अस्पताल में बनी है, किसी इंसान ने बनाया है, किसने बनाया है? अल्लाह ने बनाया है। तो फिर इस कायनात का मकसद, इस इंसान का मकसद किससे पूछना होगा? अल्लाह से पूछना होगा। इसका मकसद किसी और से पूछ लें, किसी और से तायुन कराएं, तो सिवाय तबाही बर्बादी का कुछ हासिल नहीं होगा। खुद तायुन कर ले कि मैंने क्या करना है, तो खुद खालिक अपना है ही नहीं, तो अपना तायुन कैसे कर सकता है? इसको अल्लाह ने बनाया है, तो अल्लाह ही से पूछना होगा, ए अल्लाह तूने इस कायनात को क्यों बनाया है, कायनात में हमें क्यों भेजा है? अल्लाह पाक अपने कलाम पाक बात फरमाज का मफहूम यह है कि हमने इंसान को बेमकसद नहीं पैदा किया, न
जैसे कायनात का कोई जर्रा बेमकसद नहीं पैदा किया, तो कायनात का जो दूल्हा इंसान है इसको कैसे बेमकसद पैदा कर देते हैं। हमने इंसान को क्या तुम समझते हो कि तुम्हारा कोई मकसद नहीं है और तुम लौट के हमारे पास नहीं आओगे? क्या मतलब किसी काम के लिए भेजा है, वापस आना है और बताना क्या क्या है? तो अल्लाह से पूछना होगा कि अल्लाह तुम्हें ये बता कि इस कायनात को क्यों बनाया है और हमें इस कायनात में क्यों भेजा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कलाम पाक बात फरमात का मफहूम ये है कि हमने इंसानों को जिनों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत के लिए, और एक जगह फरमाया हमने मौत और हयात को, जिंदगी और मौत को वापस जाना था कि लौट के जाना है। मौत और हयात को हमने इसलिए पैदा किया है कि देखें आसान अमल, अच्छे अमल करके कौन इम्तहान है। और एक जगह फरमाया कि हमने इंसान को अपना खलीफा बनाया है, इस कायनात का मालिक बनाया है, इसको खलीफा बनाया है, मेरा खलीफा है। खलीफा किसे कहते हैं? इसलिए फरमाया कि ये सारी कायनात हमने इंसान के लिए बनाई है और इंसान को हमने अपने लिए बनाया है। जब तक ये दोनों चीजें का तवाज़ुन बाकी रहे कि इंसान अल्लाह के लिए है और कायनात इंसान के लिए, तो फिर सारा निज़ाम ठीक चलता है। और जब इस तवाज़ुन में गड़बड़ हो जाती है कि इंसान अपने आप को कायनात के लिए समझने लगे और चीज़ों के लिए समझने लगे, तो फिर सारा निज़ाम गरम गरम हो जाता है। जैसे ऐसे ऐसे बादशाह किसी चपरासी के मतहत इख्तियार कर लें, बादशाह किसी चपरासी का गुलाम, इस कायनात को तो लपा फरमाते है दुनिया, जब तक इंसान मेरा गुलाम बन के चले तो तू इसके गुलाम बन के चले, मालिक है। और अगर ये मेरी गुलामी छोड़ दे, भागे हो जाए, तो इसको तू अपना गुलाम बना ले, मामले में उल्टा हो गया। तो उसने उस तराजू के पलड़ों को ऊंचा नीचा कर दिया। ये मालिक था, खलीफा था, अल्लाह ने कायनात को हुक्म दिया था कि जब तक कि मेरा गुलाम बन के चलता है तू इसके गुलाम बन के चल, और अगर मेरी गुलामी छोड़ देता है तो फिर तू इसका को गुलाम बना ले। तो ये मकसद बयान किया अल्लाह ने हमारे। पहली बात मैंने अर्ज की कि जिन्होंने इंसान को अल्लाह ने इबादत के लिए बनाया, आबिद किसे कहते हैं? आबिद कहते हैं गुलाम को, जो अपनी मर्जी न करे। एक मालिक ने अपने नौकर से पूछा, अपने गुलाम से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, जिस नाम से आप मुझे पुकारे वही मेरा नाम है। फिर पूछा, तू क्या खाएगा? जो आप खिला दें वही मैं खा लिया करूंगा। कहाँ सोएगा, कहाँ आराम करेगा? जहां सुला दें। मालिक ने जिज्ञासा से पूछा कि तेरी कोई अपनी मर्जी भी है कि नहीं? तो गुलाम ने कहा, आपका
अगर मेरी अपनी कोई मर्जी हो तो फिर मैं गुलाम काहे का रहा, तो गुलाम ना रहा। अल्लाह का गुलाम, अल्लाह फरमाता है मैंने तुम्हारे जान और माल को जन्नत के बदले में खरीद लिया है, ये अल्लाह का गुलाम है, सौदा हो चुका। ये कैसा कारोबार है, आदमी माल सप्लाई करने का ऑर्डर किसी से ले और उसका सप्लाई किसी और को करे, ये कारोबार तो नहीं चल सकता। अल्लाह के साथ सौदा है। दूसरा फरमाया कि मौत और हयात को हमने इसलिए पैदा किया कि देखें कि आसान अमल अच्छे अमल करके कौन आते हैं। मौत और हयात, जिंदगी और मौत, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात को बनाने से 50,000 साल पहले इस बात का फैसला किया कि इस कायनात को खत्म कर दिया जाएगा। ये फैसला है। और इंसान के बारे में क्या फैसला है कि जो रूह एक दफा दुनिया में आ गई, अब इसको मौत नहीं आएगी, एक बदल आएगा कि सारे लोगों को अल्लाह मार देगा, खत्म कर देगा, कायनात तोड़ फोड़ देगा, फिर अल्लाह खुद आवाज लगा है कोई आओ मुकाबला में, ना इंसान उठेगा ना कायनात को जर्रा उठेगा, एक मरल तो ऐसा आएगा। लेकिन उसके बाद फिर मौत भी आएगी। मौत खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत दोज़ख के दरमियान में लाकर मेंढे की शक्ल में सिवा करा देंगे कि मौत को मौत आ जाएगी, इंसानों को मौत नहीं आएगी इस मरले के बाद। तो इंसान को अल्लाह ने खत्म करने के लिए ही पैदा किया, ये बाकी रहने के लिए। कायनात ना हमेशा से है ना हमेशा रहेगी, इंसान हमेशा से तो नहीं है, लेकिन जो रूह एक दफा आ गई अब इसे हमेशा हमेशा रहना होगा। अल्लाह की जात एक ऐसी जात है जो हमेशा से है, ना अव्वल है ना आखिर, और हमेशा रहेगी। अब इंसान का इम्तहान ये है कि खत्म होने वाली कायनात को मंदूब और मंसूब बना के चलता है, या हमेशा रहने वाली अल्लाह की जात उसको मंदूब और मंसूब बना के चलता है। इसलिए दुनिया में हमें इम्तहान के लिए मिला है, देखना चाहते हैं, वापस बुलाया कि आसान अमल अच्छे अमल करके कौन आता है। दीदी का पैसा कौन लेके आता है, बैंक बैलेंस कौन सा लेके आता है, बड़ी कोठियां कौन लेके आता है, ये तो जाएंगी नहीं, रूह निकलती सारी साथ छोड़ देगी। दीदी का अच्छा अमल कौन लेके आता है, तो एक इम्तहान है अच्छे अमल का। हर आन घड़ी में जिंदगी का कोई लम्हा हमारा खाली नहीं, जब तक जिस्म और रूह का रिश्ता बाकी है, इंसान के जिस्म से आमाल पैदा होते ही रहते हैं। अब कौन से अच्छे कौन से बुरे, अच्छे कैसे निकलते हैं बुरे कैसे निकलते हैं, उनके असरात दुनिया में क्या होते हैं, वो मरने के बाद हर मंजिल पर इसके असरात क्या पड़ेंगे, जिस्म से निकलने वाला हर अमल, दिमाग में एक सोच उठती है मैंने ये काम करना है, दिल में एक जज्बा पैदा होता है मैंने ये काम करना है, दिमाग की सोच और दिल का जज्बा ये मिलकर अमल करने से पहले ये फैसला करवाता है दिल से दिमाग से कि मैंने ये अमल क्यों करना है।
क्यों करना है, ये क्यों किसके साथ लगाता है। अगर तू के साथ अल्लाह को साथ लेना है तो फिर तो इम्तिहान में पास हो गया, और तू के साथ अगर अल्लाह को हटा दिया और मखलूक को साथ कर लिया तो फिर ये फेल हो। ये इम्तिहान हैरान घड़ी हमारा, जिंदगी का कोई लम्हा खाली नहीं जब अमल करने से पहले हम ये फैसला ना करना। और ये फैसले हमने बहुत जल्दी जल्दी करने होते हैं, कभी कभी आदमी मौखर कर लेता है कि नहीं अभी खाना ठहर के खाएंगे, मौखर कर देता है। लेकिन अगर हर अमल मौखर करता चल जाए तो फिर तभी समझो आदमी को फालिज ही हो गया, दिल में जज्बा पैदा हुआ, दिमाग में सोच आई कुछ भी नहीं करना कुछ भी नहीं करना, ये नहीं होता। अक्सर और बेशतर दिमाग की सोच दिल का जज्बा फौरी तौर पर अमल में आदमी को उतारता है, फैसला करवाता है, कभी कभी मौखर कर देता, वो भी एक फैसला है कि ठहर के करेंगे, लेकिन अक्सर और बेशतर फौरन कर देता। बाज लोगों को बीमारी लग जाती है कि सोच का जो पैगाम है उसके जिस्म में सराहियत नहीं करता, अमल तक पहुंचता नहीं है। तो बीमारी क्या है, एक आदमी ने गिलास का पानी में गिलास पकड़ना तो प्यास लगती है, आदमी फौरन गिलास की तरफ हाथ बढ़ाता है उनके पास ले जाता है। बीमारी क्या होती है, आहिस्ता आहिस्ता हाथ गिलास की तरफ लेके जाए, आहिस्ता 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 आहिस्ता, फिर आहिस्ता 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 मुंह के पास लेके जाएगा, फिर हटाए, ये बीमारी हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि अमल फौरी तौर पर आदमी ने करना होता है। अगर ये अमल ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर है कि इस अमल में अल्लाह को मबसूत बनाया है और अल्लाह को मतलूब बनाया है, तो इसमें ये अमल का फैसला और अमल दाएं गंदे का फरिश्ता लिख लेता है, हर वक्त इस काम में लगा, और ये रोजाना तब्दील होता है। लेकिन अगर इसका अमल, इसने जो सोचा और दिल से जो जज्बा उठा वो अल्लाह की चाहत के खिलाफ है और अल्लाह का जो गैर फैला हुआ है उसको मतलूब और मकसूद बनाकर है, तो फिर बाएं कंधे का फरिश्ता इसका ये फैसला और अमल लिख लेता है। फिर हर सोमवार को और हर जुमेरात को ये अमाल इकट्ठे किए जाते हैं कि जमा तफरीक होती है कि दाएं कंधे के फरिश्ते ने और बाएं कंधे के फरिश्ते ने कितने लिखे। इस जमा तफरीक में जो दाएं कंधे के फरिश्ते ने इसके फैसले और अमाल लिखे उनकी तादाद, उनकी मकदार, उसका इखलास, उसका तरीका, उसका सही यकीन बाएं वाले से बढ़ जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया में चैन, सुकून, राहत, प्यार, मोहब्बत के फैसले दुनिया में ले आते हैं और दुनिया को एक जन्नत का नमूना बना देते हैं, और मौत के वक्त रूह इसके जिस्म से निकलने के लिए ऐसे भड़कती है जैसे पिंजरा खुल जाए तो परिंदा भागने के लिए भड़कता है, और कब्र इसके लिए जन्नत का बाप बन जाती है। बुजरात पैसे बिजली की तरह गुजर जाएगा और जन्नत का रास्ता इसके लिए हमार कर दिया जाता है। लेकिन अगर बाएं कंधे के फरिश्ते ने इसके फैसले लिखे, इसके अमाल लिखे, उनकी तादाद दाएं वाले से बढ़ जाए तो दुनिया में तबाही के, बर्बादी के, कत्ल गारत के, दहशतगर्दी के, परेशानी के फैसले आते। चीजें नहीं कम होती, सड़कें नहीं कच्ची होती, अस्पतालों में दवाइयों की कमी नहीं होती, पैसों की नहीं कमी होती, अमाल खराब,
मैशत को तंग कर देते हैं, पैसा नहीं कमाते, वीजा नहीं कमाते, मैशत तंग कर देते। कब? जब बाएं कंधे के फरिश्ते ने जो इसके फैसले अमाल लिख के उनकी तादाद दाएं से बढ़ जाए। दूसरे लफ्जों में अल्लाह दुनिया को एक सबका नमूना बना देते, छोटा सा नमूना, हर आदमी को सब खाने बताओ। और रूह निकलने के वक्त इसकी रूह जिस्म से निकलने को तैयार नहीं होगी, फरिश्ते जबरदस्ती खींचेंगे, जैसे खारदार झाड़ी हो उस पर आप मलमल का कपड़ा डाल दो, उसको जो खींचो तो उस मलमल के कपड़े का क्या असर बनता है, कभी सीने में फंसेगी, कभी घुटनों में फंसेगी, कभी गिट्टों में फंसेगी, लेकिन फरिश्ते तो खींच के ले ही जाएंगे। जैसे उस कपड़े को खींचता है इसका क्या असर है। और वहीं से कोई लेने को तैयार नहीं होगा, जैसे फुटबॉल को इधर फेंका इधर फेंका, उस फरिश्ते को फेंकते उस फरिश्ते को फेंकते, और बुलसरात पर गुजरना मुहाल हो जाएगा, कट के वहीं गिर जाएगा। और दो कब्र दोजख का गड़ा बन जाएगा, 70-70 सांप इसमें मुसल्लत कर दिए जाएंगे। कैसे सांप? एक सांप अगर दुनिया में आकर पुकार मार दे, कैसे करते? क्यामत तक पूरी जमीन पर सब्जा नहीं होगेगा, उसके फूंक मारने की कितनी ताकत, उसके डसने की कितनी ताकत होगी, एक की कितनी ताकत, 70 की कितनी होगी। कब्र इसको ऐसे भींचेगी जैसे दोनों हाथों को उंगलियों का आपस में दाखिल कर दिया जाए, एक दूसरे के अंदर पसीने घुस जाएंगे। और ऐसे आदमी का दोजख में जाने का रास्ता हमवार हो जाए। तो भाई दोस्तों, दुनिया और आखिरत के सारे हालात ये अंधाधुंध नहीं चल रहे, एक साबता है, अंधाधुंध नहीं है। उसका साबता क्या है? उसका मेहमर कौन है? उसका मेहमर कि इंसान की जात है। इसी अल्लाह ने अपने कलाम पाक बात करवाते मफहूमी के पैरों भर में जो फसाद है ये तो तुम्हारे अपने आमाल की वजह से है, और बहुत सारे गुनाह, बहुत सारी नाफरमानियां, बहुत सारी गलतियां तो हम तुम्हारी माफ कर देते हैं। तो दुनिया और आखिरत के सारे हालात का बनना और दुनिया और आखिरत के सारे हालात का बिगड़ना ये चीजों की कमी और ज्यादती की वजह से नहीं है, इसका दूल्हा इंसान है। लेकिन हमारा क्या हाल है? ये हमारा हाल तो ऐसा ही है, एक बारात में जा रहे तो दूल्हा बरातियों से ये पूछ रहा है कि जहां हम जा रहे हैं मेरा वो खाने का इंतजाम क्या होगा। वो बराती कहने लगे तेरी बरकत से तो हमें मिलेगा, तू हमसे ही पूछ रहा है। तो इस कायनात को तो अल्लाह ने बनाया इंसान के लिए, वही कायनात के पीछे पड़ गया, वही कायनात से पूरा कर रहा मेरा क्या बनेगा, कहा मेरा क्या बनेगा। तो इंसान महवर है इस कायनात का, इसीलिए भगवान एक बुजुर्ग के इस कायनात की जो रूह है, रूह वो इंसान के जिस्म से निकलने वाले आमाल, और कम से कम रूह क्या है कि जब तक एक आदमी भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी है, अल्लाह
वैसे तो हर कायनात का हर जरा अल्लाह का जिक्र करता है, उनकी वजह से नहीं, उनको तो इंसान के लिए बनाया। जब तक एक आदमी भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी है, इस सारी कायनात का निजाम बाकी है। हालांकि वो आदमी जिसके बारे में कहा जाए, उसका पूरा जिस्म अल्लाह की इताअत में इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा, सिर्फ पूरे जिस्म में अल्लाह का लफ्ज़ बोलता होगा। उसकी इतनी ताकत, उसकी इतनी कुव्वत, जमीन आसमान पहाड़ समंदर पूरा चांद सितारे सब अपनी जगह, सारा निजाम चल रहा है इस एक आदमी के लिए। और जिस आदमी का सारे सब अल्लाह के लिए इस्तेमाल हो, वो कितना ताकत वाला होगा, वो सारे इंसान अल्लाह की ताकत वाले हो तो कितनी ताकत और कुव्वत और कितनी बरकतें और कितनी रहमत अल्लाह के खींचने का जरिया बनेगी, इसका हम और आप हिसाब नहीं लगा सकते। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कायनात का जो महवर है इंसान, इसलिए नबियों ने आकर जो मेहनत का मैदान चुना, वो सड़के नहीं है, बिल्डिंगे नहीं है, वो नहरें नहीं है, बाग लगाने नहीं है, वो इंसान है। किसी नबी का मैदान मेहनत इंसान के अलावा और कुछ है। इंसान अगर ठीक हो गया तो सारी कायनात के निजाम खुद का खुद ठीक है, और इंसान अगर बिगड़ गया तो कायनात के निजाम चाहे जिस रास्ते सीधा करने चाहे वो नहीं सकते। इसकी चाबी इंसान है। और अल्लाह का नाम बाकी रहे, कलमा बाकी रहे, इसकी जो रूह है वो दावत की मेहनत है। इसलिए कलमे के वजूद को लाने में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमेशा दावत के निजाम पर विचार किया। और दावत का निजाम बाकी रहे इसके लिए कुर्बानी के साथ जब मेहनत होगी, इसलिए जितने भी नबी आए दावत और कुर्बानी ये कोई फूल के सेहत पे काम नहीं था, एक निजाम है। इस कायनात की रूह कलमा है, अल्लाह का नाम है, और कलमे की रूह दावत है, और दावत की रूह कुर्बानी के साथ मेहनत है। तो भाई दोस्तों, लोग अर्ज करने का मतलब यह है कि हमें इस रास्ते पर पड़ जाए, इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1,24,000 अंबिया कराम कमोबेश किए। आदम अलैहि सलाम से लेकर हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी नबी ने इसके अलावा ला इलाहा इल्लल्लाह इसके अलावा कोई आवाज लगाई नहीं। इसलिए कि इंसान का बुनियादी मसाइल तो बहुत है, बुनियादी मसला अल्लाह की जात की पहचान है, अल्लाह को साथ लेना है, अल्लाह से नफा हासिल करना सीखना है, अच्छे बुरे की तमीज करनी, मौत हयात का जो इम्तहान है आसन अमल की तलाश करनी है। तो नबी ने आपकी आवाज लगाई, इस आवाज में क्या चीज छुपी हुई थी? इला इला, कोई इला नहीं है, कोई काम बनाने वाला नहीं। इला किसे कहते हैं? ऐसी ताकत, ऐसी कुव्वत। जब आदमी का मसला फंस जाए तो आदमी जिसकी तरफ मुतवज्जो हो उसको इला है। ये मुशरिकीन जो है ये भी अल्लाह को मानते थे, लेकिन कब? जब 360 से फसौड़े से निकल जाते, अब अल्लाह करेगा। नहीं ये नहीं, यहां क्या कहा? सबको खत्म करो, एक ही इलाह है, 360 नहीं है, एक है। पहले क्या? कोई नहीं है, कोई नहीं है, एक। ऐसा मकान नहीं है जिसका कोई डिस्टेंबर बदलना हो, रोशनदान बदलना हो, खिड़कियां बदलनी हो, दरवाजा बदलनी हो, ये नहीं कहा जा रहा। सारा मकान बदल, सारा गिराओ,
तब्दीली नहीं है, साफ करो स्लेट को, ला इलाहा कोई नहीं है, है इल्लल्लाह एक अल्लाह है। और वाला कैसा कि सब शरीकों से पाक, अगर निन्यानवे हिस्से आदमी अल्लाह को दे दे और एक किसी को दे दे, अल्लाह कहता मैं सब शरीकों से पाक हूं, ये निन्यानवे उसी के पास ले, 100% खालिस एक ही इलाज। तो नबियों ने आके ये बुनियादी मसला बताया कि इंसानों का बुनियादी मसला अल्लाह की जात की पहचान है, अल्लाह को साथ करना है। इस कायनात को मसाइल तो इंसान के बहुत हैं, लेकिन सारे मसाइल जो पैदा होंगे वो इस बुनियादी मसले की बिगाड़ की वजह से पैदा होंगे, वरना मसले है ही नहीं। अल्लाह साथ होगा सब मसले खुद का होगा, अल्लाह साथ नहीं होगा जब ये मसला बिगड़ेगा तो सारे मसाइल मुंह खोल लेंगे, फिर जिस मसले को हाथ डालोगे वो मसला और बड़ा मुंह खोल लेगा, तुम उसको हाथ डालोगे और बड़े मसले को खोल लेगा। तो आदमी अपने आप को मसाइलिस्तान के जंगल में फंसा दे, फंसता जाए। जब अल्लाह को आदमी छोड़ता है तो फिर मसाइल की दलदल में फंसता है। दलदल क्या होती है? एक कीचड़ सी होती है, आदमी उसमें फंस गया, दोनों पैर फंस गए, अब कैसे निकले? आदमी सोचता है कि भाई दाया पैर ज्यादा ताकत वाला है, पहले इसको निकाल, फंस गए दोनों, तो दाएं को निकालने के लिए जोर किस पे लगाएगा? किस पे लगाएगा? बाएं पे लगाएगा। अच्छा होता क्या है, वो दाया तो निकलता नहीं, बाया और फंस जाता है, तो ये काम खराब हो गया। जो उस मसला सोचा था वो तो निकला हुआ नहीं, ये तो और मसला बिगड़ गया। अच्छा अब क्या करें, जो ज्यादा फंस गया पहले उसको निकालो, तो फिर बाएं को निकालने पर जोर किस पे लगाएगा? दाएं पे। अच्छा बाया तो निकलेगा नहीं, दाया और फंस गया, बस दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। आदमी बजाहिर अपने मसाइल को हल करने की मेहनत कर रहा होता है, हकीकत में मसाइल में फंसता ही चला जाता है। सारी दुनिया में यही हो रहा है, जितनी चीजें बढ़ रही हैं उससे ज्यादा मसाइल बढ़ रहे हैं। अस्पतालों को बढ़ना बीमारियों को कम होना है या बीमारियों को बढ़ जाना है? अरे अस्पताल बहुत हो गए, ये क्या बात दिखा रहे हैं, बीमारी बढ़ गई, कहते अस्पताल बढ़ गए, ये इस बात की निशानी है कि बीमारी बढ़ गई। अस्पताल बनने से खुश होते हैं, हालांकि इस बात का नतीजा है कि बीमारियां बढ़ गई। तादाद की बात नहीं है, वो तो एक ही आदमी के अंदर 50 बीमारी बढ़ते गए, 50 डॉक्टरों के पास जाइए, फलां को मारिए, फलां को मारिए, फलां को मारिए। तो मसाइल इस्तान जिंदगी बन जाती है जब आदमी इस बुनियादी मसले को निकलता। इसलिए सारे नौकरियों ने दुनिया के और आखिरत के सारे मसाइल को हल करने के लिए सिरा पकड़ा, सिरा था ला इलाहा इल्लल्लाह। जिस नबी ने और जिस कौम ने इस सिरे को पकड़कर इस रास्ते पर चलना शुरू किया, उनके पास चीजें थोड़ी थी या ज्यादा थी, अल्लाह ने उनको कामयाब किया। और जिन कौमों ने इस सिरे को नहीं पकड़ा, कायनात के किसी और सिरे को पकड़ लिया, कौम सबा ने ज़रात के सिरे को पकड़ा, ज़रात को तरक्की कर दी। लेकिन जिसम तो अल्लाह का नाफरमान था, तो अल्लाह ने उस ज़रात की तरक्की के साथ पूरी कौम को तबाह कर दिया और ये समझाया कि तुमने कामयाबी का गलत रास्ता तलाश किया, और क्यामत तक के लिए समझा दिया
जरात को कामयाबी की बुनियाद न समझना, कामयाबी की बुनियाद तो ला इलाहा इल्लल्लाह है। कौन से समूह को धोखा लगा सना तो हिफत का, तो अल्लाह ने उसी सनत हिफत में तबाह बर्बाद कर दिया। कारून को धोखा लगा माल की कसरत का, तो माल नहीं छीना उससे, उसके पास ही रखा, उसी में दसा दिया, और क़यामत तक आने वालों को समझा दिया कि माल की कसरत ये कामयाबी की बुनियाद नहीं है, ये कामयाबी का रास्ता नहीं है। फिरौन को धोखा लगा हुकूमत का, और कैसी हुकूमत की कि कोई चू भी नहीं कर सकता। कितने बच्चों को ज़बह कर दिया, कोई बोलने वाला नहीं था, लेकिन अल्लाह ने उसी हुकूमत में रहते हुए इसलिए नहीं नाकाम किया, इसके पास इसने हुकूमत में अल्लाह के अहकाम को नहीं दाखिल किया, हुकूमत नहीं छीनी, उसी हुकूमत में तबाह बर्बाद कर दिया। कौम आद को धोखा लगा ताकत का, हम तो बड़ी ताकत वाले, दरख्तों को तो ऐसे पकड़ के उठा ले जैसे कोई धनिया पुदीना हम जमीन से निकाल लें, जोर लगता है, दरख्तों को ऐसे निकाल लें। लेकिन अल्लाह के जिसम अल्लाह का नाफरमान था, इतना ताकत होने के बावजूद ये सारा ताकत का नखा तोड़ दिया गया। कौम नूह को धोखा लगा अक्सरियत का, ये 80-85 क्या, इनके तो वोट थोड़े, हम अक्सरियत में अब भी धोखा बहुत सारे सारी दुनिया में धोखा है, इनके साथ ज्यादा इकट्ठे हो जाए चाहे पागल ही हो। तो पूरी कौम को तबाह कर दिया वो 80-85 में बताया, तो कहानी किससे नहीं है, ये हमें सुना है कि तुम नया तजर्बा ना करना, ये सारे तजर्बे फेल हो चुके, तुम नया तजर्बा ना करना। इसलिए सारे रबी ने आगे आवाज कर ली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज लगाई, आप आसन अब क़यामत तक के लिए जो आसन अमल है वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह। ईसा अलैहि सलाम के भी रास्ता कामयाबी का रास्ता था कभी, मूसा अलैहि सलाम का रास्ता भी कामयाबी का रास्ता था कभी, सुलेमान अलैहि सलाम का रास्ता भी कामयाबी का रास्ता था कभी, लेकिन अभी सारे रास्ते बंद, अब सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता खुला है, वह है मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो हुज़ूर पाक के तरीके पर अमल करेगा, सिर्फ आसन अमल ये, अब और कोई नहीं। जब किसी नबी के तरीके पर चलकर कामयाबी के रास्ते पर नहीं बढ़ सकते तो ये साइंसदानों को उल्टे सीधे तरीके आयु कर लो आयु कर लो, ये तो अपने ही तजर्बों को रोज बदलते रहते हैं, ये दवाई पहले सेहत देती थी अब खराब करती है, साइड इफेक्ट ज्यादा हो गए इसको छोड़ दो, ये आ गई, ये तो अपने तजर्बों को बदल करते रहते हैं। जब किसी नबी के तरीके में अब अल्लाह ने कामयाबी नहीं रखी तो इंसानों के अपने बताए जिंदगी के तरीके कैसे कामयाब उनकी तरफ लेके जा सकते, क़यामत तक के लिए सिर्फ अब एक ही ज़ाब्ता है वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन भाई दोस्तों लोगों, इस पर आने के लिए जो सरमाया चाहिए, इंसान का जिस्म से निकलने वाले अमाल ठीक हो जाए, इसकी जो सरमाया चाहिए, आप सब उसी फरमाश का हुक्म भी है कि इंसान के जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है,
अगर वो सही हो जाए तो इंसान के सारे सब का इस्तेमाल ठीक हो जाता है, और अगर वो ख़राब हो जाए तो इंसान के सारे सब का इस्तेमाल ख़राब हो जाता है। और फरमाया वो दिल है, दिल है, दिल दिल के अंदर होता क्या है? दिल के अंदर एक मुहर्रिक होता है जो आदमी के जिस्म को हरकत में डालता है। एक डेढ़ मिनट का जिस्म आदमी उठा कहीं से कहीं ले जाता है। दिल के अंदर एक जज्बा होता है जो आदमी को किसी अमल पे उबारता है। शरीयत उसे ईमान कहती है। ये मुहर्रिक, ये जज्बा, ये ईमान जितना ताकत वाला दिल के अंदर होगा उतना मजबूत जिस्म से अमल पैदा होगा, और जितना जज्बा ही ठंडा होगा, ये मुहर्रिक कच्चा होगा, ये ईमान कमजोर होगा, उतने जिस्म से निकलने वाला अमल कमजोर होगा। इसलिए सारे नबियों ने आकर मैदान चुना इंसानों का, इंसान ठीक हो, और इंसानों को ठीक करने के लिए मैदान चुना उसके यकीन ठीक करने को, उसके दिल ठीक करने को। बाकी जिस्म को ठीक करना कोई लंबा चौड़ा मसला नहीं है, वो जल्दी से ठीक हो जाए। इसे सारा जोर इस बात पर लगाया कि दिल का यकीन ठीक करो। और दिल का यकीन क्या हो कि पूरी कायनात और इसके अंदर कितनी चीजें हैं, जैसे पैदा होने में अल्लाह की जात की मोहताज है, ऐसे किसी को नफा दे दे, किसी को नुकसान दे दे, इसमें भी अल्लाह की जात की मोहताज है। अल्लाह ने कायनात को पैदा करके आजाद नहीं छोड़ा, कायनात का हर जर्रा अल्लाह के हुक्म में जकड़ा हुआ है। किसको नफा देना है, किसको नुकसान देना है, इसमें अल्लाह की जात का मोहताज है। खाना जो हम खाते हैं, खाने का हर लुकमा, हर जर्रा अल्लाह से पूछता है कि अल्लाह मैं इसकी सेहत का सबब बनूं या इसकी बीमारी का सबब। एक प्लेट में खाना खा रहे, एक का पेट खराब हो गया, दूसरे गला खराब हो गया, तीसरे को कुछ भी नहीं हुआ, खाना तो एक ही है। तीन आदमी बीमार है, एक ही जैसी बीमारी है, एक ही डॉक्टर इलाज कर रहा है, तीनों को चूंकि बीमारी एक है तो एक ही दवाई दे रहा है, एक को दवाई दे रहा है उसकी बीमारी बढ़ती जा रही है, दूसरे को वो दवाई दे रहा है उसकी बीमारी कम होती जा रही है, सेहतमंद होता जा रहा है, और तीसरे को दवाई दे रहा है उसकी लाश बाहर आ रही है। अगर दवाइयों के अंदर सेहत होती तो कोई डॉक्टर ना मरता दुनिया में, पहले तो अपने को बचाते हैं, डॉक्टर नहीं मरते। दवाइयों के अंदर सेहत दिखाई है, रखी नहीं है, यही इम्तहान है। बनना नफा दिखाया कहीं से, रखा कहीं है, दिखाया चीजों में, रखा अपने हुक्म में, वही इम्तहान है। इसलिए नबियों ने आकर जिस्म का इस्तेमाल ठीक हो उसके लिए दिल का यकीन ठीक करने पर मेहनत की। अब दिल का यकीन ठीक कैसे हो? मैं सुमन बुकुन बुकुन घूम लाइए क्यों घूंगे पैरे अंधे हैं, नहीं कैसे ये कैसे रूल करें? आदमी का बोलना घूंगा घूमेगा, आदमी का बोलना ये दिल पर असर डालता है, आदमी का सुनना पैरा नहीं है सही सुनता है ये दिल पर असर डालता है, आंखों का देखना ये दिल पर असर डालता है, दिमाग का सोचना ये दिल पर असर डालता है। दिल बादशाह है, लेकिन ये फैसले बराह रास्त नहीं करता, इसने ये चार अपने जो खुशी मुकर्रर कर रखे इनसे मशवरा करता है, ये जो मशवरा देते हैं उस पर कोई फैसला करते। आप को जबान से किसी ने गाली नहीं मार है, आपके दिल में गुस्सा आ गया, उसको पत्थर तो नहीं मारा, वो फायर तो नहीं किया, जबान से ही माँ बहन की गाली नहीं मारी, तो उसका असर कहाँ गया? दिल पर। आप किसी ने आके खबर दी
कि फला जॉब पे एक्सीडेंट हुआ, हादसा हुआ, चार बच्चे मर गए, फूल से बच्चे थे। तो आपने खबर सुन के तो दिल पे असर पड़ा, छोटे छोटे बच्चे यानी मर गए, फूल से बच्चे थे। थोड़ी देर बाद एक और आदमी आया, उसने खबर दी कि जो चार बच्चे मरे ना, उसमें एक बच्चा आपका भी था। तो पहले जो खबर सुनी थी बच्चों को मरने की, और जो खबर सुनी बच्चों को मरने की, फर्क पड़ा दिल पे? कहां से पड़ा? कानों से। अच्छा फिर सुन, अच्छा जाके तो देखू वो बना क्या। ये वहां गया चौक पे, देखा चारों बच्चों का कीमा बना हुआ है। इसके बच्चे का तो पता ही नहीं, उसके हाथ पैर कान नाक कहां गए, तो चारों कीमा बना हुआ। जो इसने खबर सुनी थी और जो अब देखा, और दिल पर असर जो सुन के पड़ा था, अब देखकर जो असर पड़ा, को फर्क पड़ता क्या नहीं? कहां से पड़ा? आंखों के रास्ते से। अच्छा इसने सोचा कि तो एक ही बच्चा था, इसकी माँ को मैं कैसे बताऊं जाके। ओहो, जो ही ये बात दिमाग में पहुंची कि माँ को कैसे बताऊं, ये खुद ही ढेर हो गया, वही लंबा पड़ गया। ये सर कहां से गया? दिमाग से गया। तो दिल जो कुछ फैसला करता है, इन चार रास्तों की बुनियाद पर करता है। अब हमारा बोलना ठीक हो, इला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हो, हमारा सुनना ठीक हो, कलमे की बुनियाद पर हो, आमाल में कामयाबी की बुनियाद पर हो, हमारा हर चीज को देखना आंखों से अल्लाह के होने की निस्बत से हो, हमारा हर सोच अल्लाह को साथ लेने की हो, ये कोई आधे घंटे बयान से नहीं होता, ये तो 24 घंटे की मशक। ये तो हजरात में कहते ना, कम से कम 25 मौकों पर तो अपनी जबान पर उससे इस्तेमाल करो, इतना तो करो। लेकिन जबान कितना बोल रही है? कोई 8 घंटे तो नहीं बोलता मुसलसल, ये दुकान वाले भी 8 घंटे नहीं बोलते, बीच में खामोश हो जाते। जबान से ज्यादा इस्तेमाल कानों का है। जबान से तो आदमी जब चाहेगा बोलेगा ना, अपनी जबान को रोक सकता है ना, लेकिन कानों से चाहेगा सुनेगा और ना चाहेगा, कोई कान बंद करके दुकान पे दफ्तर पे सड़क पे जाना होता है? तो जबान से ज्यादा किसका इस्तेमाल? कानों का। और कानों से ज्यादा इस्तेमाल आंखों का 18 घंटे। जब तक सोता नहीं तो आदमी आंखें बंद करके चलता सड़क पर, दुकान पे आके बंद करके बैठता है, दफ्तर में आके बंद करके बैठता है। कानों से ज्यादा इस्तेमाल आंखों का। जो चाहेगा वो भी देखेगा, और जो ना चाहेगा वो भी सामने से गुजरेगा, आंखें बंद कर लेगा। बाजार में जाएगा कितना गंद मंद देखना पड़ता है। और दिमाग ये तो 24 घंटे ही सोचता रहता है, रात को सोते में भी सोचता, ख्वाब आते रहता है। अक्सर ख्वाब को आते जिस तो आदमी ने मेहनत की होती, कभी और भी आ जाता है। तो ये कोई आधा पौने घंटे का काम नहीं है, एक बयान कर लिया बच्चे साहब, ये तो 24 घंटे की मशक। जबान के बोल कलमे वाले हो, कानों को सुनना कलमे वाला हो, आंखों का देखना कलमे वाला हो, दिमाग की सोच कलमे वाली हो, अब इसके लिए इसकी मश्क कैसे? इसकी मश्क के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मरहले में, पहले मरहले में 5 वक्त मस्जिद में बुलाया नमाज की शक्ल, कि जहां जहां गलत इस्तेमाल हो रहा है, बोल सुनना देखना सुन, जहां गलत इस्तेमाल हो रहा है वहां से निकल के आओ, उन सब चीजों से निकल के आओ। अब जबान नमाज में अपने बोल को बदलो, अपने सुनने को बदलो, अपने कानों की
आंखों के इस्तेमाल को बदलो, अपनी सोच को भी बदलो। नमाज एक ऐसा अमल है जिसमें दाखिल होने के बाद जिस्म के किसी हिस्से को भी अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने की कतई इजाजत नहीं है। रोजा है, रोजे में खाना पीना मना, खाने पीने की बातें करने में मना, जुबान तो इस्तेमाल और भी कर सकते हैं। वो कहता मैं गोश्त की बातें करूंगा, वो कहता मैं सब्जी की बातें करूंगा, वो कहता मैं मिठाई की बातें करूंगा, तो उससे रोजा खराब हो जाएगा, नहीं होगा। खाने पीने की चीजें खरीदने चला जाए, खाने पीने की चीजें पकाने लग जाए, सो जाए, नमाज पढ़ा ना हो, तो रोजा खराब हो जाएगा। यानी रोजा रखते हुए भी जिस्म को बहुत सारी जगह इस्तेमाल करने की इजाजत। अच्छा, रुख्सत भी है बीमारों को बात रख लेना, ऐसी हालत हो बिल्कुल नहीं रख सकते किसी को, बहुत सारी। लेकिन नमाज आज मैं नहीं पढ़ रहा तो पढ़ लो, ऐसा हो सकता है। ज़कात आदमी खुद भी दे सकता, किसी को दे दे कि आगे दे दे, या खुद चल के जा रहा है बातें भी कर रहा ज़कात भी दे रहा, तो ज़कात देते वो हल करते बहुत सारे अमल कर सकता है। लेकिन नमाज की नियत बांधने के बाद जिस्म के किसी हिस्से को भी कतई तौर पर कहीं और इस्तेमाल करने की जरूरत पाबंद कर। ज़बान से क्या पढ़ना है, कहाँ सुभान अल्लाह पढ़नी, कहाँ सूरत इबादत पढ़नी, कहाँ सूरत पढ़नी, रुकू में क्या करना, क्या में क्या करना, सजदे में क्या करना, पाबंद। कानों को पाबंद कर दिया कि इतनी ऊंची नमाज आवाज से पढ़ो कि साथ वाले को न सुने लेकिन अपने कानों को तो सुने। इमाम लोग कुरान कर रहे उसको सुनो। आंखों को पाबंद कर दिया, नियत मानते रहे निगाह कहाँ हो, मैं शिबिरी में कहाँ में कहाँ हो, शिबिरी में कहाँ हो, सजदे में कहाँ हो, तशद में कहाँ हो, सलाम फेरते में कहाँ हो। जिसकी निगाह नमाज में काबू नहीं, बाहर कैसे काबू हो। अच्छा, सोच को काबू कर दिया कि जो मखलूक छोड़ कर आए हो उसकी सोच में छोड़, अब अल्लाह ही को सोच। तो इन चार चीजों की मश्क कराई नमाज में, इसलिए फरमाया नमाज में आई बुरी बातें सुन। सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा, नमाज ठीक निकल आई तो बाकी लेंगे भी अकूल, और नमाज ठीक ना निकली तो बाकी खतरे में पड़ते हैं। माया नमाज दीन में ऐसी है जैसे जिस्म के अंदर सर होता है। आपने हाथ के बगैर डूला, पैर के बगैर लंगड़ा देखा होगा, को बाजार में बगैर सिर के आदमी चलता हुआ देखा। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, जिसने नमाज को डाल दिया सारे दीन ही को डाल दिया, सारी बिल्डिंग ही गिरा दी। सर ऐसी खींची है सर इस बिल्डिंग की। नमाज में आप सुबह सुबह पास एक आदमी आया, अर्ज किया हमको अर्ज करो कि फला आदमी नमाज पढ़ता चोरी भी करता है। आप सुबह फरमा को हुक्म दें इसकी नमाज इसको चोरी से रोक दे। जगह फरमा बदतरी चोर को है जो नमाज में भी चोरी कर ले। सवाल पूछा नमाज में क्या चोरी करे, नमाज पढ़ना कैसे, मैं इसका रुकू सजदा सही ना करी, ये चोर है। जो नमाज का चोर है तो बाहर को डाके मारेगा जाके बड़े बड़े। इसलिए फरमाया नमाज में एक बड़ी बात से इसकी मश्क पांच वक्त बुलाया। रोजा तो साल में एक दफा है, हज माल होगा जिंदगी में एक दफा है, ज़कात माल होगा साल में एक दफा, नमाज किसी सूरत मुस्तरात के लिए चल रुक सकते हैं, बीमारों खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ो लेट के नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ो बैठ के नहीं पढ़ सकते, इशारे से पढ़ो। जब तक दिमाग ठीक है कोई रुक सकते, ऐसी मश्क जरूरी है। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा, फजर की नमाज पढ़ी जोर की नमाज पढ़ने आ गए सारा कचरा साफ, सारे गुनाह माफ। फिर असर की नमाज पढ़ने आ जोर असर के दरमियान दिखते कोताही गलतियों को सब माफ। ईशा के पढ़ के सो गया रात, सुबह फिर नमाज नमाज साथ पढ़ ली सारी रात के गुनाह सफाई।
ईमान की तरक्की, आमाल की सफाई, इसलिए पांच रुकन। अब नमाज हमारी ऐसी जानदार बन जाए जो हमारे रोजाना ईमान में इजाफा कर रही हो, इसके लिए बेतरीबी के साथ जो नमाज पढ़ेगा वो सही नहीं हो सकती। इसके लिए इल्म हासिल करना हो, चौबीस घंटे का इल्म हासिल करना हो, एक है नमाज का इल्म और इसके साथ साथ ये नमाज हमारी महफूज वो इल्म भी हासिल करना। इसलिए कि नमाज का असर बाहर की जिंदगी पर है और बाहर की जिंदगी का असर नमाज पर है। वो कैसे? ये आदमी के जिस्म के अंदर जो खून नमाज में हरकत कर रहा है, ये भी तो पाप होना, ये भी तो साफ होना। जिस गाड़ी का तेल ही खराब हो, वो गाड़ी कैसे हो, तो इंजन ही खराब सुन रहे। तो नमाज के अंदर जो खून हरकत कर रहा है ये भी हलाल का, ये कम हलाल का होगा जब हम नमाज के बाहर की जिंदगी का भी इल्म हासिल करेंगे, फिर तो ये नमाज महफूज रहेगी। साहबा ने पूछा, आप सब साहबा से पूछा मेरी उम्मत का मुखलिस कौन है? साहबा ने कहा इसके पास मुल्क माल गिरम ना नुमाया कि नहीं, मेरी उम्मत का मुखलिस वो है जो अच्छे अमल लेके आएगा लेकिन लोग हक मारे हो। इसलिए फरमाया नमाज पढ़ के नहीं जाना, नेकी करके नहीं जाना, नेकी लेके आओ, एक है नेकी करना, एक है नेकी लेके जाना। नेकी करना और बात है और लेके जाना और बात है। इस नेकी को रास्ते में डाका ना पड़ जाए। डाका कैसे पड़ेगा? इधर नमाज पढ़ी, दुकान में जाकर डंडी मार ली, इधर नमाज पढ़ी उधर दफ्तर में जाकर रिश्वत ले ली, इधर नमाज पढ़ी उधर सोच से लेकर खाद डाल दी, पानी चोरी करके लगा दिया, फिर नमाज पढ़ जाएगी। उस पर आपने फरमाया कि मेरी उम्मत का मुफलिस वो है, नमाज बढ़िया, जिक्र बढ़िया, तिलावत बढ़िया, लेकिन लोग अपनी अदा क्यों होंगे, अभी अपना अब मांगने के लिए आएंगे, तो इसकी अच्छी नेकिये उनको दे दी जाएगी। अभी लोगों के मुताले बाकी रहेंगे, अब लोगों की बुराई इसमें डाल दी जाएगी। लेके गया थे नेकियों के पहाड़ और हिस्से में आ गए बुराइयों के। तो इल्म जो है वो 24 घंटे की जिंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मर्जी वाली को हर काम में मोहम्मद रसूलल्लाह जी अल्लाह का चाहिए। इसके 70% दीन जो है वो मस्जिद से बाहर है, मखलूक के साथ, घर वालों के साथ कैसे रहना है, औलाद के साथ कैसे रहना है, ताजिर है तो मुलाजमों के साथ क्या मामला करना है, नौकर रखे उनके साथ कैसे मामला करना है, जिस शोबे में भी है उस शोबे में उस शोबे का दीन का इल्म हासिल करना फर्ज ऐन। एक आदमी गाड़ी चला रहा है, बगैर से गाड़ी चलाएगा तो क्या होगा, ना अपने खैर और ना सड़क पर चलने वालों के खैर। तो जिस शोबे के हम ड्राइवर हैं, जरात के ड्राइवर, दफ्तर के ड्राइवर, जिस शोबे में हम मशगूल हैं, हमारी जिंदगी उस में लगी हुई है, उसका इल्म सीखना फर्ज है उस आदमी के लिए, सबके लिए भी। इसलिए उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाजार में जाते पूछते, अगर उसके इल्म नहीं होता तो उसकी दुकान बंद करो। इसलिए लेकिन बुनियाद जो है वो मस्जिद का दीन है, बुनियाद ठीक होगी तुम्हारा ठीक खड़ी होगी, वो बुनियाद ढीली होगी तुम्हारा गिर जाएगी। इसलिए फरमाया नमाज की पाबंदी बुराइयों से होगी। अगर ये 30% दीन जानदार है तो इसका असर 70% पे जाएगा और 70% पे गणित इसका असर 30% पे आएगा, आपस में जुड़े हुए। लेकिन बुनियाद
मस्जिद के नीचे। ये दरख्त है जिसकी शाखें बाहर दुकान पे जा रही, दफ्तर पे जा रही, घर पे जा रही। अगर वो दरख्त ही लुढ़ मुड़ है तो शाख कैसे जाएगी? अब अल्लाह की बात माननी आसान हो और अल्लाह हमें याद रहे कि अल्लाह की बात माननी है, इसके लिए अल्लाह का जिक्र। हुमायूं जो जिक्र करता हूं जिंदा, जो जिक्र नहीं करता वो तो मुर्दा है। मुर्दे को आप खिलाओ कुछ करो उसे तो कुछ भी नहीं होता, उसकी उसको किसकी याद दिलानी है? इसके लिए तो किसी हजरात से बैत है, उनके जो बताई तस्बीहात होते हैं काम करें, और जो किसी से बैत नहीं है तो तीन ही मसनून तस्बीहात, तीसरे कलमे की, दुरूद शरीफ की, इस्तगफार की, 100 दफा सुबह 100 दफा। हटकर कटकर चलते फिरते भी, चलते फिरते खाना खाते, चलते फिरते चाय पीते, एहतमाम से बैठ के करते हैं जिक्र। फालतू जितना मर्जी चलते फिरते करो, लेकिन इतना अपने गिजा समझ कर हटकर कटकर वक्त निकाल कर एहतमाम के साथ। जो आदमी का वक्त करोड़ होता है ना, उसको भूख लगती है, ये चाय पीने वाले को अंदर से चाहत उठती है, असर के बाद चाय पी रही है, सुबह चाय पी रही है, जो वक्त कर उससे भूख उठती है चाय की। ऐसे अल्लाह के जिक्र की हमें भूख उठे, कब उठेगी? जब हम वक्त करोड़ करके करें, जैसे तो खाने का वक्त करो होता है ना, उससे भूख लगती है उसे, और जो बेवक खाए कभी दोपहर खा लिया, कभी 10 मिनट खा लिया, कभी उसे कोई भूख का कुछ पता नहीं। तो जिक्र वक्त की पाबंदी के साथ, जगह की पाबंदी के साथ, हटकर कटकर सारी मौजूद से हटकर कर। जो आदमी वक्त की पाबंदी के साथ जिक्र करता है, पाबंद करता है, अल्लाह भी उसके इंतजार में होता है कि मेरा बंदा आएगा मेरे से बातें करेगा, उसका वक्त मुकर ना हो पता नहीं। तो अल्लाह का जिक्र एक है, जिक्र करना एक है, याद रखना, याद करना और बात है, याद रखना और बात है। जिक्र करना तो जिक्र याद रखने के लिए, अल्लाह याद रहे उसके लिए मश्क करेंगे, फिर अल्लाह 24 घंटे हमें अल्लाह की याद बाकी रहेगी। जब अल्लाह की याद होगी तो फिर अल्लाह की बात मानने भी आसान होगी। अब अल्लाह की जात से हम नफा हासिल करने वाले बन जाए, अल्लाह हमारे अमल को कबूल कर ले, अल्लाह को हमारा अमल पसंद आ जाए। अल्लाह हर उस अमल को पसंद करता है जो सही यकीन के साथ हो और सही तरीके के साथ हो, और तीसरी बात अल्लाह को राजी करने के लिए हो। तरीका भी ठीक हो और यकीन भी ठीक हो, लेकिन यकीन और अल्लाह के लिए करना ये आपस में जुड़े हुए, जितना यकीन ठीक होगा उतना अल्लाह के लिए होगा, ये हो नहीं सकता। तसीह नियत बकदरे यकीन के तसीह होगी, अब इसकी मश्क करनी पड़ेगी, जैसे दावत यकीन ठीक करने की मश्क करनी है और नमाजों की मश्क करनी है, यकीन को और बढ़ाने की और अमल ठीक करने की मश्क करनी है, ऐसे ही नियत ठीक करने की मश्क करनी होगी। मश्क कैसे होगी? हर अमल से पहले क्यों लगाए, क्यों कर रहा हूँ? बहुत सारे अमल बगैर सोचे समझे बगैर नियत के कर रहे हैं, बहुत सारे घर में सौदा लाए इसलिए लाए, अगर घर में सौदा अल्लाह को राजी करने के लिए लाए, बच्चों की परवरिश के लिए, इस पर भी सत्य का सवाल। एक अमल में आदमी कितनी नियत कर सकता है? बहुत सारे नफल पढ़ रहे हैं, सलात सही, तो मस्जिद पढ़ ले, सही तो वुज़ू पढ़ ले, चार शराब के जो भी नफल पढ़ ले, सलात तौबा पढ़ ले, एक अमल में बहुत सारी नियत कर सकता है, हर जाविये से अल्लाह से फायदा उठा सकता है, लेकिन इसकी मश्क करनी होगी हर अमल से पहले क्यों लगाए, इसकी आदत डालनी होगी। बहुत सारे अमल बगैर नियत के हम कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे किसी का?
करते दरमियान में भी देखें कि मैंने किस लिए शुरू किया, फिर आखिर में भी एहसास करें कि मैंने किस लिए किया। आदमी शुरू में सही नीयत के साथ करता है, जैसे जैसे एक बड़ी सड़क पर जा रहा है, इसने कि ये सड़क के दाएं तरफ जरा कारखाने हैं, गलिये भी जरा मैं देख लूँ कैसी है। वो गलियों में कारखाने में ऐसा गुम होता, सड़क ही गुम कर बैठता जहाँ से चला था। शुरू अल्लाह के लिए किया था, सही रास्ते पर चला था, लेकिन थोड़ा सा दाएं बाएं हुआ, भूल ही गया, गैर के लिए हो। तो इसलिए शुरू में, दरमियान में और आखिर में देखे मैं गलियों में फंस गया कि सड़क पर आ गया वापस। बस भाई दोस्तों, इस मकसद हयात को समझना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे दुनिया में क्यों भेजा है और अल्लाह ने इस कायनात को क्यों बनाया, मेरा कायनात से क्या रिश्ता है और मेरा कायनात के मालिक से क्या रिश्ता होना चाहिए, इस मकसद हयात को क्यों समझना और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्मे नबूवत की निस्बत से क़यामत तक आने वाले सारे इंसानों को ये मकसद हयात समझाना हर मुसलमान कलमा पढ़ लेने वाला मर्द हो या औरत उसके जिम्मे। हमारा दीन पर चलने का मामला इंफरादी नहीं है, इस उम्मत का दीन पर चलने का मामला इज्तिमाई है। इसलिए इस उम्मत के ईमान नापने का पैमाना अल्लाह ने और बना दिया। पहली उम्मतों का ईमान नापने का पैमाना और था, पहली उम्मत अपनी नमाज, अपना हज, रोजा, ज़कात जो अहकाम पूरे कर लिए पास हो जाएंगे। यहाँ क्या कहा है कि अगर कहीं बुराई को देखो तो हाथ से रोक दो, हाथ से नहीं रोक सकते तो जबान से रोक दो, और जबान से नहीं रोक सकते तो दिल से बुरा जानो। और आगे क्या लिखा हुआ है कि ईमान का ज़ईफ तरीन दर्जा है, इसके बाद ईमान की सरहद खत्म हो जाती है, हत्ता कि अबराई के बराबर भी ईमान नहीं होता। तो हमारा ईमान तो तोला जाएगा कि खत्मे नबूवत की निस्बत से दीन पे चलते हुए सारी इंसानियत को दीन पे लाने का, क़यामत तक आने वाले इंसानों को अल्लाह से सुलह कराने का, जन्नत के रास्ते पर डालने का तुमने क्या किया? खुद गर्दनें झुकाते हुए क्या हमें इस बात का एहसास है कि सारे इंसानों की गर्दनें अल्लाह के सामने झुकने वाली कैसे बन जाए? इसीलिए फरमाया इस उम्मत की मिसाल तो एक जिस्म की तरह है। आंख में अगर दर्द है तो सारे सब बेचैन है, सिर में दर्द है तो सारे सब नहीं सोता, दर्द तो सिर में ही है ना। जबान में छाला निकल आया तो सारा सब बेचैन है। अगर जिस्म का कोई हिस्सा बेचैन नहीं हो रहा तो समझो उस हिस्से को फालिज हुआ है। जिस हिस्से को फालिज हुआ है ना वो तो फिर महसूस ही नहीं करता था। तो उम्मत तो एक जिस्म की तरह, अगर उम्मत का एहसास बाकी है तो उम्मत जुड़ी हुई है। इसलिए भाई दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत को जो सारी इंसानों में, सारी उम्मतों में जो अफसल बनाया है, वो अहकाम तो बहुत है, अमाल तो बहुत है, नमाज बहुत बढ़िया अमल है, लेकिन उसकी वजह से अफसल नहीं बनाया। हालांकि पांच दफा है, रोजा, हज, ज़कात बहुत बड़े बड़े अमाल हैं, लेकिन अफसल किस वजह से बनाया कि लोगों को नेकी की तरफ बुलाती है और बुराई से बचाती है, इस वजह से अफसल है। और क्या फरमाया अपने गुलाम पाक को, क्या आप कह दीजिए यह है मेरा रास्ता अल्लाह की तरफ बुलाना सोच बूझ के साथ, मेरा भी रास्ता है और मेरी इत्तिबा करने वालों को भी रास्ता है। रास्ता बताया अल्लाह के दीन की मेहनत करना रास्ता है, नमाज उस रास्ते का अमल है,
उस रास्ते में चलते हुए नमाज आएगी, नमाज पढ़ लेंगे, रोजा आएगा, रोजा कर लेंगे, हज आएगा, हज कर लेंगे, ज़कात आएगा, ज़कात दे देंगे, चलते हुए करना है, रास्ते में चल ही नहीं रहा और ये कर रहा है तो ऐसे से रास्ते में बैठ गया तो बैठने वाला तो रुकावट बन जाता है। इस उम्मत का मिजाज दीन की मेहनत करते हुए अमाल को अख्तियार करना है, रास्ता उस रास्ते में चलते हुए करना है, फिर ये अफजल है। इस उम्मत को अल्लाह ने चुना है, ये आप इंसान नहीं है हम और आप, जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत नबियों के काम के लिए चुनते थे, ऐसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर कलमा पढ़ने वाले को चुना है, हमारी पैदाइश को मौखिर किया, किस बात के लिए? अगर दावत के काम के लिए चुनना मकसूद ना होता तो मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम किसी और नबी की उम्मत में पैदा करते, नहीं हमारी पैदाइश को मौखिर किया गया कि इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया इसलिए कि इनसे दावत का काम लेते हैं। नबियों ने इस उम्मत के फजाइल सुने तो सारे नबियों के सरदार वाला काम करेगी, तो नबियों ने इस बात की ख्वाहिश की, इस बात की दरख्वास्त की कि अल्लाह की उम्मत हमें दे, इसलिए कि जिस अफसर के मातहत बड़े वदे वाले तो अफसर बड़ा शुमार हो जाता। ये दुआ जब कबूल नहीं हुई तो नबियों ने फिर दूसरी दरख्वास्त की कि अल्लाह अगर ये उम्मत हमें नहीं देगी तो हमें इस उम्मत में पैदा कर दे, चुनाचे ईसा अलैहि सलाम की दुआ कबूल हुई और आप नबी होने के बावजूद आखिर हमारे तशरीफ लाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक नहीं गुजारेंगे और दावत वाले काम को इख्तियार करेंगे, हालांकि पहले भी नबी थे। हमने और आपने को दरख्वास्त नहीं दी, अल्लाह ने महज अपने फजलो करम से हमें चुना है, और किसने चुना है? अल्लाह ने चुना है, अल्लाह की जात वो जात है जिसके फैसले कामिल हैं, जिसकी सिफात कामिल है, जिसके फैसले में कोई कजी नहीं है, कोई कमी नहीं है। तो क्या मतलब कि अल्लाह ने हमारे चुनाव का उसमें बोलती है? ऐसा नहीं, हम किसी आदमी को अपने काम के लिए चुनाव करते हैं तो उसमें देखते हैं कि जिस काम के लिए मैं इसको भर्ती कर रहा हूं उसके काम करने की सलाहियत इसके अंदर है कि नहीं। किसी मजदूर को तुम इस तरीके काम पर नहीं लगा देते तो तू ही तो गारा उठाने वाला क्या, तू दीवार चल दे, ट्रैक्टर चलाने वाले का तो तामीर शुरू कर दे। देखते हैं किस काम के लिए किस आदमी के अंदर वो सिफात मौजूद है, हम उसमें उसके लिए भर्ती कर लेते हैं। उस भर्ती में हमारे गलती का इम्कान है क्योंकि हम इंसान हैं, लेकिन अल्लाह के साथ उसने जो हमारा चुनाव किया है ये इस बात का सबूत है कि दावत के काम के लिए जो खूबियाँ चाहिए, जो सिफात चाहिए, जो सलाहियतें चाहिए वो हमारे अंदर रखी है, आएंगी नहीं, हमारे अंदर है। तो सवाल ये पैदा तो काम के लिए करते हैं, जब एक गिलास के अंदर पानी है तो फिर नजर क्यों नहीं आता, ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि हमने अपना मैदान मेहनत बदल लिया, हम अपने आप को ताजिर, अपने आप को मुलाजिम, अपने आप को जमींदार समझने लगे। जब हमने अपने आप को ताजिर समझा तो तिजारत की सलाहियत ऊपर हो गई और दावत की सलाहियत जो अल्लाह ने रखी थी वो नीचे चली गई, खत्म नहीं हुई, मौजूद है। ज़रात को अपना मैदान मेहनत बनाया तो ज़रात काम करने की सलाहियत सिफात सोच विचार ऊपर आ गई और दावत की सिफात नीचे दब गई। ये ऐसे ही को डॉक्टर पढ़ने के बाद गोभी बेचने की रेड़ी लगा दी, फिर क्या हो, वो डॉक्टर भूल जाएगा तो गोभी बेच रहे, गोभी बेचने की सिफात हावी वो डॉक्टर की सिफात नीचे चले, लेकिन अगर इस डॉक्टर को
वो आप गोल बेचने की डेढ़ से हटा कर फिर अस्पताल में बिठा दो तो फिर क्या होगा, फिर सारी सी बातें। तो तबलीग के काम में नई भर्ती कोई नहीं हो रही, हम सारे भर्ती शुदा लोग हैं, अल्लाह की तरफ से भर्ती हुए। वो भर्ती शुदा कह रहे काम क्या, नई भर्ती कोई नहीं हो रही भाई। इतना है कि डॉक्टर को भी इसलिए लग गया, इसके लिए काम नहीं था, इसका काम तो अस्पताल में था। ताजिर को ही कहा जा रहा तजारत तेरा काम नहीं है, तेरी जरूरत है, जमींदार तेरा काम नहीं है, मुलाजमत तेरा काम नहीं है, तुझे अल्लाह ने दावत के लिए बनाया, तुझे अफसर बनाया, सारे कौमों का सरदार बनाया, तेरी जरूरत है, काम नहीं है, अपने काम पे आ। जरूरत जैसे चौकीदार है तो काम तो उसका चौकीदारा कर रहा है, लेकिन प्यास लग जाए तो पानी पीने की इजाजत है, चाय की तरह हो जाए तो पीने की इजाजत है, असंधा पेशाब की जरूरत हो जाए इजाजत है। कि जरूरत तो इसलिए होती है कि ताकि असल जो काम है चौकीदार का उसको तकलीफ मिले। अगर वो सारा काम वक्त ही चाय पीने में लगा दे, वो कह जी बैतुल खला जाना बहुत जरूरत है, मैं 8 घंटे बैठा करूंगा, किसी लोग क्या कहेंगे, है इसके दिमाग में सुतूर है। जरूरत काम नहीं है हमारा, काम और है, काम उसका चौकीदारा है, उसके साथ अपनी जरूरियात पूरी कर ले कि असल को हर्ज ना आए। अगर असल में हर्ज आ रहा है तो जरूरत नहीं है, जरूरत तो असल को तकवीत देने के लिए होती है। इसलिए भाई दोस्तों हमारा आपका मामला, हम आप इंसान आम इंसान नहीं है, ये तो सारे नबियों के सरदार वाला काम है, एक है नबियों वाला काम, एक है सरदार अंबियों वाला, बहुत फर्क। और बगैर तलब के बिना और बगैर चाहत के बिना और सलाहियत हमारे अंदर मौजूद है। बस सहाबा ने मैंने उस बात को समझा था कि हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके लिए पैदा किया है, इसके लिए भेजा है, जब उन्होंने इसको समझा तो सारी सलाहियत पूरी उपकर जैसे बकरी चराने नहीं आते थे, सलाहियत तो पहले से मौजूद थी, फिर सलाहियत कैसे हुई 23 लाख मुरब अमीन पर इनके हवाले कर, वो सलाहियत मौजूद थी, लेकिन कब, जब अपनी सही जगह पर, जब हम दावत के लिए अपने आप को इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हमारे अंदर सलाहियत रखी है वो उभर के खुल के बाहर आएगी, और गलत इस्तेमाल करेंगे तो दबी रहेगी। ये ऐसे जैसे गंदम का दाना है, अगर बोरी के अंदर पड़ा हुआ तो 7 वाले दाने को नहीं ला सकते, एक बोरी में 80 किलो दाने पड़े 7 वाले को नहीं ला सकते, लेकिन इस गंदम के दाने को अगर आप जमीन में डाल दो कितने फुट मट्टी फाड़ कर जमीन के अंदर जड़े ले जाता है, एक एक बाली में 70-70 दाने, और कितनी बाली है उनको फिर काश करो, लाखों करोड़ों दाने उनको फिर काश करो, अरबों दाने उनको बार बार काश करते चले जाओ तो जमीन और आसमान के दरमियान में जितनी खाली जगह है वो सारी भर जाएगी, लेकिन अब इसके कुएं से पैदावार खत्म नहीं होगी, लेकिन कब, जो अपनी सही जगह पर। इतनी सलाहियत अल्लाह ने हमारे अंदर रखी है, एक ही आदमी क़यामत तक आने वाले सारे इंसानों को दोज़ख की आग से बचाने का जरिया बन सकता है, लेकिन कब, जब सही जगह पर। दुकान दफ्तर से गिदारा हमारी मेहनत के मैदान नहीं है, अल्लाह का रास्ता दावत की हमारी मेहनत का मैदान, रास्ता बता दिया अल्लाह ने, रास्ता है तुम्हारा, इसी में सारी कुछ सलाहियत उभरेगी, खुलेगी, बढ़ेगी, चमकेगी। इसलिए भाई दोस्तों एक तरफ तो हम अल्लाह का शुक्र करें कि हम ऐसे माहौल में हमें आ गए जहाँ इस गलती के एहसास पैदा होने का कोई माहौल मिल जाता है, कि हम थे कुछ हो कुछ गए, आए किसी काम के लिए तो लग गई और कोई एहसास पैदा हो, लेकिन जैसे ये एहसास हमारे अंदर उजागर होना चाहिए और उसके लिए हमें अपने आप को जैसे लगाना और थमाना चाहिए वैसे भी हो नहीं, तो शुक्र भी हो कि अल्लाह हमें ऐसे माहौल में ले आया कि सही सिलेक्शन की जगह तो
सिलेक्शन सिलेक्शन के बाद पूरा काम उंगली पकड़ाइए हाथ नहीं पकड़ा रहे, उंगली पकड़ाइए हाथ नहीं पकड़ा रहे, जिसम दिया है दिल दिमाग नहीं दिया, जिसम तबलीग का और दिल दिमाग दुकान का। तो शुक्र भी हो कि ऐसे माहौल फिजा में अल्लाह हमें ले आया जहाँ इसका एहसास उजागर होने का कोई जरिया है। लेकिन जैसे करना चाहिए था कितनी इंसानियत रोजाना बगैर तलबे के मर रही है, कौन सा रास्ता है कि वो दोबारा वो जन्नत में चले जाए, कोई है रास्ता? भाई साहब आगे जमाने में भाई साहब बुला कर पूछ लगे कोई ऐसी बात निकालो जिससे जो बगैर तलबे के मर मर गए लेकिन जन्नत में चले जाए, बाहर कोई रास्ता? यहां तक गाँव फिक्र चे जाए कि अपने घर लुट रहा हो, कलमा पढ़ने वाले दोस्त की तरफ दौड़ लगा रहे हो। इसलिए भाई दोस्त अल्लाह से इस्तग़फ़ार करना चाहता हूं। इस्तग़फ़ार क्या है तुम्हें? एक है तौबा, एक है इस्तग़फ़ार। इस्तग़फ़ार इसे कहते हैं कि मैंने गलती कर ली, ये माफ। ये नहीं कहता गांजा नहीं कर ली, एक आदमी ने इशारा थोड़ा ना चला हो गया, तो ये नहीं कह रहा कि मैंने आयंदा इशारा नहीं तोड़ना, ये तो माफ कर दो, इसे इस्तग़फ़ार कहते हैं। आयंदा फिर तोड़ने का प्रोग्राम बाकी है, इसका ये माफ कर दो चला। तौबा क्या है कि आयंदा नहीं करना। तो तबलीग की तौबा ये है कि जितनी हम सलाहियतें कुव्वतें लगा रहे हैं जैसे लगानी चाहिए थी वैसे नहीं लगा रहे। हमारा हदफ क्या है? हमने सारी क़यामत तक आने वाली इंसानियत को बचाना है, और अदर कि जैसे लगाना चाहिए था जैसे खपाना चाहिए था वैसे नहीं। अब इसके लिए अपने तौर पर ये अल्लाह एहसास उजागर करते हैं, और इतना ये एहसास हमारा मजबूत हो जाए कि दुकान दफ्तर और हमारी ये मसरूफियात नीचे दब जाएं और दावत की सलाहियतें ऊपर हमें ले आए, और सारी इंसानियत को मारे मारे फिर रहे हो अपने हो, इसके लिए निकलना। इसलिए कि सारी बातें देखो तीन बातें होती है, एक ही बातें करना, जैसे मैं जबान से बोल रहा हूँ, बोलने से आदमी के अंदर वो असरात मरतब नहीं होते, पूरी बात समझा ली, अल्फाज के अंदर ताकत नहीं है कि पूरी बात समझा सके, उससे ज़्यादा ताकत एक तस्वीर के अंदर है। मसले एक तस्वीर है, आप उसके अंदर दर्द भी है, उसके अंदर प्लॉट भी है, उसके अंदर मकान भी है, उसके अंदर खास भी है, उसके अंदर गाड़ी भी खड़ी भी है। आपने एक सेकंड में देखी एक तस्वीर, तो गाड़ी को अगर लफ्ज़ों बयान करना शुरू करें और दर्द को लफ्ज़ों बयान शुरू करें, वो कितना ऊंचा, उसके पत्ते कैसे, उसकी टहनी कैसे, उसके फूल कैसे, उसकी ऊंचाई की घास कैसे, तो वो एक सेकंड में आपने तस्वीर से अल्फाज के मुकाबले में ज़्यादा फर्क कर। लेकिन इन दोनों से ज्यादा जो ताकत है माहौल के अंदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाते हैं कि जब हम आपके मजलिस में होते हैं तो हमारा बड़ा जन्नत दोज़ख़ सामने होती, और जब जाते हम मुनाफिक हो गए तो माहौल ही होता है, वो जन्नत को सामने कर देता है। तो फरमाया बाहर फरमान में आदमी आते रहे तो दुश्मनी होती रहती है। तो सबसे ज्यादा ताकत जो मुतासिर करती है वो माहौल। जिसके साथ बैठेगा उसे व्यवहार होगा। तो तबलीग में ये सारी सिफात हमारे अंदर आ जाए, ये गम, ये बेचैनी, ये कुड़न हमारे अंदर आ जाए, उसके सबसे ज्यादा मुख्य जरिया माहौल में होता है। ये दुकान दफ्तर में नहीं पैदा होगा, वहां तो जबान गलत बोलेगी, गलत सुनेगी, गलत देखेगी, गलत सोचेगी, तो ईमान कैसे सही रहेगा? लेकिन मस्जिद जमात का माहौल, कम से कम मस्जिद में आके आदमी झूठ तो नहीं बोलता, गलत तो नहीं देखता, बाजारों में गंदी चीजें तो नहीं देखता, ये कम से कम करता है। तो जब आदमी चार महीने इन चार रास्तों से इस्तेमाल करेगा, जबान के बोल को, कानों को सुनने को, आंखों में देखने को, दिमाग को सोचने को, तो अल्लाह उससे दिल की कैफियत को ठीक करता है, और दिल ठीक होने से इसके सब के अमाल ठीक कर देंगे, और अमाल के ठीक है होने से अल्लाह दुनिया के और आखिर सारे हालात ठीक है। सीधा साधा निजाम है।
जो सरमाया दरकार है कामयाबी के लिए अल्लाह ने सबको दिया है, वो उसका जिस्म है, जिस्म अल्लाह ने सबको दिया है। जिसके लिए भाई दोस्तों अपने हाल में रहम खाने की जरूरत है और सारी इंसानियत में रहम खाने की जरूरत है, इसके लिए कहा जा रहा है, इसकी मश्क के लिए, सही रास्ते पर पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। फिर आगे दौड़ लगा देता हूँ, साल की दौड़ है, सात महीने की दौड़ है, पैदल दौड़ है, फिर आगे दौड़े, लेकिन बुनियाद सही रुख पे आने के लिए चार महीने। अब इसके लिए फरमाए कि सुबह से नकद चार महीने के लिए,